अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप दोस्तों? खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट डेयरिंग एडवोकेट। तेरे बिन जियो स्काई एंटरटेनमेंट ने एपिसोड लॉन्च की है और आप ये देखें, इसमें जो चीज़ें आपको अब आएंगी आगे, जो मैंने लास्ट आपको बताया था, जो अभी जो किस्त लॉन्च हुई है, प्रीवियस जो अभी मैंने देखी है, तो वो बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने उस पर एक्टिंग की है। यमुना जैदी और वहाँ चली ने दोबारा से उस ड्रामे के अंदर बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले किया है। और जो एक मैं आपको बताऊं, जो एक क्लिप देखा था मैंने, जिस क्लिप के अंदर उसको यमुना जैदी को ये पता चलता है कि मैं इसकी बेटी नहीं हूँ, वो बिलीव नहीं कर रही होती है, तो उस वक्त जो इन्होंने एक्ट किया, रोल प्ले किया है, तो यार आउटस्टैंडिंग यार। फेस इम्प्रेशन, मतलब वो सारी चीज़ें जो इन्होंने दी हैं, वो मतलब उन्होंने ऐसा लगा था रियलिटी ग्राउंड के अंदर कोई चीज़ हो रही है, ऐसा लग ही नहीं रहा था। इसलिए कि इसे कहते हैं कि ड्रामे में आप जो रोल प्ले कर रहे हैं वो कितना डेप्ट होके कर रहे हैं, इतना डेप्ट होके उन्होंने, आप देखें अगर आप उनका कभी आप गौर से देखिएगा तो उसमें दिखाया। अच्छा, मैं आगे बताता हूँ, बताई थी जो पूरी एक ओवरऑल मैंने ड्रामे की कुछ थोड़ी सी रिव्यू दिया था, उसके एक साथ क्या क्या होना है आगे, तो इसमें मैं इस किस्त के बारे में आपको बता रहा हूँ कि इस किस्त के अंदर जो दिखाया है, जो चीज़ें होंगी वो उसको पता चल जाएगा कि मैं इनकी बेटी नहीं हूँ और मुझे इन्होंने अडॉप्ट किया था। और अडॉप्ट करने के बाद जाहिर है वो अपना उसकी सोच है, वो अभी भी उनको अपना वालिदी तस्लीम करती है वकास साहब को, तो जब वो बताते हैं कि आप अनवर की बेटी हैं तो वो उसके बाद वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, लेकिन जब पता चलता है साथ साथ में कि उसको ये चीज़ें हैं और फिर उसकी शादी मुसब के साथ, मुतसिम के उसके साथ शादी का उसका जो सिलसिला स्टार्ट होता है ड्रामे में दिखाया है, तो वो भी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक हैडल्स के हैसियत रखते हैं सामने यमुना जैदी के। लेकिन वो किस तरीके से हैंडल करेगी आगे और वो किस तरह शो आउट करेगी, पूरी फैमिली को कैसे हैंडल करेगी आगे, तो आप आगे देखें। आप जाहिर है वो चीज़ें उस अगेंस्ट में जाएगी, वो समझ लीजिए कि सब कुछ मेरे लिए अगेंस्ट है, मैं इस फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन अब उसको इस फैमिली का हिस्सा बनना पड़ेगा। तो उसके बाद ये क्या करेगी आगे, ये कुछ चीज़ें ऐसी करेगी जो मैंने आपको बताया था कि प्रोग्राम के अंदर ये कुछ ऐसा बिहेव करेगी जिसकी वजह से ऑडियंस जो वहाँ होंगे, जो लोग होंगे, रिश्तेदार होंगे, वो सारे बुरा मनाएंगे। बुशरा अंसारी जो वालदा है मोहतसिन की, वो बुरा मनाएंगी, वो कुछ रिएक्ट करेंगी, ये रिएक्शन जो एक्ट करेंगी, फिर उसके बाद इसका रिएक्शन क्या आएगा, एक्शन के बाद क्या रिएक्शन आएगा, तो वो रिएक्ट करेंगी, उसके बाद फिर मोहतसिन का क्या रिएक्शन आएगा, ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी आगे ड्रामे में। और इसके बाद फिर वो चीज़ें आगे चलती जाएंगी जो मैंने आपको बताया था पहले की जो मेरी वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं, तो उसमें भी आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी जो ये चीज़ें उसी के साथ इंटच होंगी। तो देखें आप इसको इंजॉय करेंगे, साथ साथ मेरे चैनल को लाइक करें, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दें ताकि आपको आगे मेरी नोटिफिकेशन और मिल जाए, और मेरे चैनल को लाइक करें, डेयरिंग एडवोकेट को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।